रानी तुम्हारी दोस्त थी, गायत्री नहीं। अगर अब हम तुमसे दोस्ती करेंगे तो सब यही बोलेंगे ना, ये गरीब लड़की ने अमीर लड़के को फंसाया। बचपन में तो ये इल्जाम इतना समझ नहीं आया, सह लिया, अब नहीं सह पाएंगे। तो तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है। फिक्र है तो इसकी कि लोग क्या कहेंगे। वाह, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता हमारा है, वो किसी के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। चिपकली गायत्री सिंह, हमारा नाम गायत्री सिंह है ना, हम आपके दोस्त हैं और ना हो सकते। हम पुरानी दोस्ती को दोहराना तो दूर, याद तक नहीं करना चाहते। यादें अगर इतनी ही चुभ रही हैं तो अपनी कलाई पे हमारी दी हुई घड़ी अब तक क्यों पहनी है तुमने? ये लो। ये क्या है? ये और क्या, दोस्ती के लिए। बरसों पहले मेरी दी हुई घड़ी आज भी तुम्हारे पास क्यों है? वक्त आगे निकल गया होगा रानी, लेकिन तुम्हारी कलाई पर आज भी वहीं का वहीं थमा हुआ है। तो ये लीजिए अपनी घड़ी। हमारा समय मत बर्बाद कीजिए, हमारे बीच बहुत फासला आ चुका है राज। जिसे ना आप तय कर सकते हैं और ना ही हम। तुमने ना बिना बात के जिद पकड़ रखी है। सर कोई चांस तो देकर देखो। सर को जब से पता चला कि तुम उनके बचपन की दोस्त रानी हो, तब से वो तुम्हारे आगे पीछे भाग रहे हैं। और उससे पहले हमारा राजा बाजा आज भी जैसा नहीं था। मीना, वो बहुत अलग था, दोस्ती देखता था, दौलत नहीं। महल में 16 बावर्ची थे, लेकिन हमारे तोड़ के लाए हुए आम खाकर सोता था। दोस्ती करने को राजवाड़ों के इतने सारे बच्चे थे, फिर भी हमसे दोस्ती की। हमें तब रानी का मान दिया जब हम नौकरानी थे। हमारा राजा बाजा आज भी जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकती हूँ, पर वो माफी मांग तो रहे। सब दिखावा है मीनू, अब तक तो इस माफी मांगने के खेल से वो थक भी गए होंगे। ढूंढ लियोगे कहीं नई हॉबी। रानी, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारी माफी का भी और तुम्हारा भी। I'll keep waiting. साल हमने ये सोच सोच के बिताए कि जब राजा बाजा मिलेगा तब उससे कैसे लड़ेंगे।
कितने ताने मारेंगे, पर इस अमीरी गरीबी ने बचपन में हमसे राजा बाजा से दोस्ती का हक छीन लिया था, अब लड़ने का भी हक छीन लिया। सर मान गई? अभी नहीं, पर मानना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। आफ्टर ऑल वो मेरी दोस्त है। दोस्त ही? पर अब नहीं। और तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आती राज, कि गायत्री की दोस्ती की लकीर अब तुम्हारे हाथ में नहीं रही, समझे? अच्छा चल मैं तुझे अच्छी तरह दिखाता हूं कि मेरे हाथ में कौन सी लकीर है और कौन सी नहीं। क्या यार, हमेशा बस लड़ाई झगड़े की बातें, और ये जानते हुए भी कि हम तुमसे नहीं डरते, उसके बाद भी। देख जीव्स, रानी मेरी दोस्त है, और दोस्तों के बीच बाहर वाले बोलते नहीं। You know what, राज? I mean, तुम्हें तो पता ही होगा, इन गरीबों के घर ना रेफ्रिजरेटर नहीं होते, ये कल का खाना तो रख नहीं पाते, 10 साल पुरानी दोस्ती क्या रखेंगे। डियर जीव्स जंतु, तू यहाँ बैठा बैठा बकवास करता रहेगा और मैं वहां जाकर रानी को मनाकर ले भी आऊंगा। तू बैठ। किसे मनाओगे? हाँ? अगर उसे मानना होता ना राज, तो इस तरह बिन बताए कॉलेज छोड़ के नहीं जाती। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहे, बता रहे। क्योंकि अभी अभी हम उससे खुद स्टेशन छोड़ के आए। साधु, साधु, ये क्या किया आपने? दादू उठिए ना, दादू। हेमा, ठीक हो ना तुम? ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे दादू को दौरा पड़ा था, वो छत पर खड़ी होकर कह रही थी कि वो राजमाता है और अपने बेटे राणा जी से मिलने जाना चाहती है। वो बदहवास थी, दौड़ी जा रही थी और मैं भी उनके पीछे पीछे उन्हें रोकने चली गई और हम दोनों ही गिर पड़े।
मुझे तो सिर्फ मोह चाहिए, पर दादू को मैं तुम्हारी दीवी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। नहीं माँ, तुम ऐसा मत बोलो, बस अपना ध्यान रखो। लेकिन डॉक्टर, मेरी दादू की तबीयत अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई? देखिए, दिमागी मरीज की जिंदगी में जब कोई बड़ा चेंज आता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते और उससे बाहर निकलने के लिए वो तरह तरह की झूठी सच्ची कहानियां ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हीं कहानियों में उलझ कर रह जाते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपका इनको छोड़कर जाना इनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिससे ये अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई हैं। और हम गए भी तो आमिर को एक ऐसी जगह जहां आप हमें कभी नहीं भेजना चाहती थी दादू। जब तक हमारी दादू और हिम्मत ठीक नहीं होती हम कहीं नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स हो सकता है, और हमें तो सब कुछ हो सकता है गायत्री। अब आप अपने एग्जाम्स और टेस्ट की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ओके? हम आपकी तरफ से चिलगोजे से बात कर लेंगे एंड आई एम 100% श्योर कि चिलगोजा हमारे टॉपर की बात को रिफ्यूज नहीं करेगा। थैंक यू सो मच जीवन। हे गायत्री, कॉल मी चीफ्स। रखते हैं फोन। रानी, रानी कहाँ तुम? ओ राज, आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारा तो बहुत अच्छे से कट गया। हाँ, आई मीन टू से फोन कट गया। वैसे यार, यू नो, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। हमारी रानी बड़ी होके कितनी समझदार हो गई है ना। क्यों, अब उसे पता है कि उसको किससे दोस्ती करनी। असीर जीव जंतु, चुपचाप बता दे रानी कहाँ है। ये कैसा सवाल है? चुपचाप रहूं या बता दूं? क्या यार राज, तुम्हारी धमकियां भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही कंफ्यूजिंग है। और एक बात बताओ, अगर रानी को तुम्हें बताना ही होता कि वो कहाँ जा रही है, उसे स्टेशन छोड़ने तुम जाते, हम नहीं, तो ऑब्वियस है कि अब ये बात हमारी और रानी के बीच की बात है। हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि हमारी दोस्त रानी कहाँ गई है। हेलो ऑपरेटर, कैन यू प्लीज टेल मी इस नंबर पर लास्ट कॉल कहां से आया था? छोड़ दीजिए, हम कहते हैं छोड़ दीजिए हमें। राजमाता प्रियंवदा सिंह देव को कोई नहीं रोक सकता, हम कहते हैं जाने दीजिए। दादू क्यों जिद कर रही, करने दीजिए ना उन्हें अपना काम, क्यों नहीं बात समझ रही? दादू समझ नहीं आ रहा आपको? जाने दीजिए अपने राणा जी के पास। इधर देखिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी ना। नहीं, छोड़ दीजिए हमें, हमने कहा जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएंगी दादू आप। दादू ना हमेशा बोलती थी, अगर अपनी परेशानियों को प्रार्थना में डाल दो तो वो तुम्हारी परेशानी नहीं रह जाती, माँ की परेशानी बन जाती। हम इस बात को सच मानते थे, सोचते थे जिंदगी की लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ रहे, तुम हमारे साथ हो। लेकिन आज समझ आया हम गलत थे, जिंदगी की लड़ाई हम अकेले ही लड़ रहे हैं, इसलिए तो हार रहे। हमारे और हमारे परिवार के साथ हमेशा गलत किया, एक दूध पीती बच्ची से उसकी माँ छीन ली, वो गलत था। माँ के बाद बाबा और दादू के साथ रहना सीख गए थे हम, तो तुमने एक एक करके उनके इम्तिहान लेना शुरू कर दिया।
इसको। वो 7 साल की गायत्री को उसके बाबा की तुमसे ज्यादा जरूरत थी, तो तुमने उन्हें अपने पास बुला लिया। क्या हालत कर दी हमारी दादू की। हमारी दादू के साथ जो कुछ भी किया ना, वो गलत था। हमारा नाम राजमाता है। हाँ राजकुमारी गायत्री, राजमाता की बात अब तक खत्म नहीं हुई। हमने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम रानी गायत्री से तुमसे जवाब मांग रहे हैं। कब तक लेती रहोगी हमारी इम्तिहान? कब तक ये लड़ाई हम अकेले लड़ते रहेंगे? अगर विश्वास हो तो पत्थर भी भगवान होता है, और ना हो तो भगवान भी पत्थर। आज हमारा विश्वास टूट गया तो तुम हमारे लिए पत्थर बन जाओगी माँ। आज तो हमारा जवाब तुम्हें देना ही होगा। उसने तुझे तेरा जवाब दे दिया बेटी। रोको, नहीं रोको जल्दी। अरे रुको, कोई पास नहीं आना मेरे। दादू मेरे। अरे आप तो माशा के दिख रहे, रोकी उन्हें। रुकिए, रुकिए। नहीं, हमारे पास मत आना वरना हम कूद जाएंगे। रुक जाओ। ठीक है, हम नहीं आ रहे। मां आप प्लीज कूदिएगा मत। दादू जाओ, हमारे पास मत आना। नहीं लेकिन दादू, दादू आपको हमारी कसम है, आप ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात ना, हमें हमारे राणा जी के पास जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन दादू, रुक जाओ। ये राजमाता प्रियंवदन सिंह देव का हुक्म है। माफ कीजिएगा राजमाता। आमेर कोर्ट के राज परिवार की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और राजपूत कभी अपने फर्ज से मुड़ा नहीं करते। हमें अपने बेटे राणा जी और बहू से मिलने जाना है। अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचे तो वो चुड़ैल उन्हें मार देगी। कौन चुड़ैल ने मार देगी राजमाता? चुड़ैल वो वहां। अरे आप इनकी फिक्र मत कीजिए, इसे तो आपके गुलाम ने पहले ही बेबस कर दिया। देखिए वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती। राजमाता, आप अपने बेटे और बहू से मिलना चाहती हैं ना? उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपको ये बताने के लिए कि वो आपसे मिलेंगे, पर तब जब वक्त और मौका दोनों सही होंगे। तुम हमें हमारे राणा जी से मिलवाओगे?
तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? राजमाता के सामने झूठ बोलने से पहले इस गुलाम का सर कट जाए। हंस लीजिए राजमाता। हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास हो रहा है। नहा दीजिए राजमाता। चलिए राजमाता आइए। क्यों करती हैं? हम कुछ हो जाता तो क्या नका करिए ना अपना? क्यों करती हैं दादू ऐसा?